नमस्कार बच्चों, क्लास 12 के हिंदी में हम लोग बातचीत चैप्टर जो शीर्षक निबंध है जिसके लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, उसका हमने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। मतलब जो लेखक परिचय है और बातचीत शीर्षक के अंतर्गत जो निबंध है वो हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सब बड़े ही मजेदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में। और इस लेक्चर के बाद आप बातचीत चैप्टर को लेकर निश्चिंत रह सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर इससे बाहर नहीं आएगा। तो सारे अच्छे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में वो भी, और जो आगे पूछे जा सकते हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बातचीत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, और मेरा नाम है डीके चंदन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। बातचीत जो चैप्टर है, जो निबंध है, उसके निबंधकार यानी उसके लेखक कौन है? तो भाई बाल कृष्ण चैप्टर के लेखक हैं, ए सॉरी, बातचीत चैप्टर के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट, इनके बारे में कुछ और जानकारी तो याद रखना कि इनका जो जन्म है वो 23 जून 1844 को हुआ था। इनकी मृत्यु पूछी जा सकती है, याद रखना बच्चों, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम पूछा जा सकता है, तो इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट जो कि एक व्यापारी थे। माता का नाम था बच्चों पार्वती देवी। पार्वती देवी जो कि एक पढ़ी लिखी होशियार महिला थी, और इनके माता का इनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, और इनकी जो पढ़ने लिखने में रुचि थी वो इनकी माता पार्वती देवी ने ही जगाई थी। तो इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखना। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। बाल कृष्ण भट्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को। मृत्यु कब? मृत्यु कब? 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को। निवास स्थान इनका पूछा जाता है बच्चों, निवास स्थान, निवास स्थान इनका कहाँ था? तो निवास स्थान था इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, ठीक है, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो मैंने आपको बता दिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो आप याद रखना, बाल कृष्ण भट्ट मोटा मोटी 1000 निबंध लिखे थे। मोटा मोटी 1000 निबंध लिखे थे, जिसमें दो भाग में 1000 था। 1000 निबंध इन्होंने लिखा था लगभग, ठीक है, और ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था भट्ट निबंधावली के नाम से। भट्ट, भट्ट निबंधावली, भट्ट निबंधावली या भट्ट निबंधमाला के नाम से, भट्ट निबंधावली या भट्ट निबंधमाला के नाम से दो भागों में प्रकाशित हुआ था। और इनके लगभग कितने निबंध थे? तो मोटा मोटी लगभग 1000 निबंध थे इनके, जो दो भागों में प्रकाशित हुए थे।
बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन, प्रहसन मतलब समझते हो क्या होता है? प्रहसन मतलब होता है लघु नाटक, लघु नाटक होता है, लघु नाटक जिसमें जिसमें हास्य की प्रधानता होती है, हास्य की प्रधानता होती है, हास्य की प्रधानता मतलब सुनोगे तो हंसी आएगा। जैसे आपने सुना होगा अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खा जा, तो एक छोटा सा लघु नाटक है जिसमें हास्य की प्रधानता है। तो वैसे लेख को हम लोग प्रहसन के नाम से जानते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन कौन कौन थे देखो, जैसा काम वैसा परिणाम, ये इनका प्रहसन था, सही है। नई रोशनी का बीस, ये भी आपको याद रखना है। अचार विडंबन, अचार विडंबन ये भी था, यानी इसके जितने भी प्रहसन आपके किताब में दिए हुए थे मैंने यहाँ पे ऑप्शन के रूप में शामिल कर लिया। तो प्रहसन इससे ज्यादा इनका आपके किताब में नहीं दिया है, तो बस ये नाम याद रखना, बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम है जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा बुनोगे वैसा काटोगे, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे, जैसा काम वैसा परिणाम। उसके बाद नई रोशनी का बीस, नई रोशनी का बीस, नई रोशनी का बीस, अचार विडंबन, अचार विडंबन, ये तीनों के तीनों इनका क्या है, ये तीनों के तीनों इनका प्रहसन है। तो बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन कौन है? जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस, नई रोशनी का बीस और अचार विडंबन। तो याद रखना प्रहसन कौन कौन सा है, प्रहसन कौन कौन सा है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस और अचार विडंबन। नेक्स्ट, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? तो देखो इनका जितना भी उपन्यास आपके किताब में दिया हुआ है वो सब मैंने यहां पे लिख लिया है, ठीक है। तो रहस्य कथा इनका ही उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी भी इन्हीं का है, 100 अजान 1 सुजान बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है, गुप्त वैरी जो है ये भी इन्हीं का उपन्यास है, रसातल यात्रा भी इन्हीं का उपन्यास है, उचित दक्षिणा भी इन्हीं का उपन्यास है, हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव, ये सब बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। कौन कौन है? रहस्य खता, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव, इनमें से सभी के सभी बाल कृष्ण भट्ट के ही उपन्यास है बच्चों। और ये जो अजात शत्रु है ना, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, ये जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो इनका कौन सा उपन्यास नहीं है? जैसे अजात शत्रु, अजात शत्रु किनका है उपन्यास? जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। बाकी रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव, ये सब बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अजात शत्रु इनका नहीं है, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? देखो वाक्य शक्ति के अनेक फायदों में दो फायदा जो आपके निबंध में बताया गया है, एक है स्पीच और दूसरी स्पीच वक्तृत्वता और दूसरी है बातचीत, एक तो भाषण देने की कला और दूसरा बातचीत। तो वाक् शक्ति के अनेक फायदों में से दो फायदा कौन कौन है इसमें? स्पीच वक्तृत्वता यानी भाषण की कला, भाषण की कला, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है साधारण, जो हम लोग बातचीत करते हैं, साधारण बातचीत, साधारण बातचीत। तो वाक शक्ति के अनेक फायदों में से दो है, एक तो भाषण की कला और दूसरा साधारण बातचीत, भाषण की कला और बातचीत, ठीक है। चलो ये सवाल बच्चों कभी ना कभी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ पे बेशक लिखा हुआ नहीं है कि कब पूछा गया है, पर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी इनके आने की संभावना है। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? देखो जब आप निबंध पढ़ोगे बातचीत, तो वहां पे आपको एक जगह लिखा हुआ मिलेगा कि बेन जॉनसन ने कहा था कि
बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी किसी मनुष्य के चरित्र का असली चित्रण आपको करना है, उसके चरित्र के बारे में सही से आकलन करना है, तो उससे आपको बातचीत करना होगा। जब तक वो आदमी बोलेगा नहीं, तब तक आप उसके आंतरिक गुणों का, उसके चरित्र का निरूपण नहीं कर सकते। तो किसी व्यक्ति को अच्छे से जानना है, उसका अच्छे से इंटरव्यू करना है, अच्छे से साक्षात्कार करना है, तो बातचीत ही अच्छा जरिया है, यानी बोलने से ही मनुष्य के चित्र का साक्षात्कार होता है। जैसे देखो, आईएएस आईपीएस का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है, उसमें एग्जाम आप जब पास कर लोगे, पीटी पास कर लोगे, मेंस पास कर लोगे, तो उसके बाद इंटरव्यू रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सामने जो बैठे होते हैं लोग ना, वो बड़े विद्वान लोग होते हैं। आपके बात करने के शैली से, आपके बोलने के शैली से, आपके उत्तर देने के शैली से, आपके बारे में बहुत ज्यादा चीज जो है अंदाजा लगा लेते हैं, आपके बारे में बहुत चीज वो जान लेते हैं। तो इसीलिए साक्षात्कार रखा जाता है कि जैसे किताबी ज्ञान तो ठीक है, लिख दिया आपने, आंसर अच्छे से दे दिया, लेकिन वास्तव में आप एक कैसा इंसान हो, आपका मोटिव क्या है, आप वहां पे जाके कौन सा सुधार करना चाहते हो, या सिर्फ पैसा लूटने के लिए आईएएस बनना चाहते हो, तो साक्षात्कार से वहां पे क्या होता है, निखर जाता है। हालांकि अब तो क्या ही निखरेगा, सारे लोग गलत ही कर रहे हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य के रूप का असली साक्षात्कार कैसे होता है? सुनने से नहीं, चिल्लाने से नहीं, विनम्रता से नहीं, किससे होता है? बोलने से ही मनुष्य के चरित्र का साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो मनुष्य के रूप का असली साक्षात्कार किससे होता है? बोलने से होता है, ऐसा बेन जॉनसन ने कहा था। एडिसन का मत क्या है? एडिसन का मत है बच्चों कि असली जो बातचीत है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। असली बातचीत जो है, जिसमें दिल खोल के आदमी बात करता है, वो सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है। तीसरा व्यक्ति आ गया तो या तो लोग बात को बदल देते हैं, या फिर घुमा देते हैं, या उसको बुड़बक बनाने लगते हैं तीसरा व्यक्ति को। चार लोग हो गए तो सिर्फ बतका ही होगा। ठीक है, बतका ही होगा। ठीक है, तो असली जो बातचीत है एडिसन के अनुसार, वो असली बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच में हो सकता है? असली बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, ऐसा एडिसन का मानना था। ठीक है, फिर देखो, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका बाल कृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से हिंदी वर्धनी, ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी वो किस सभा की ओर से निकाला गया था, तो याद रखना हिंदी वर्धिनी सभा, हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से कब निकाला गया था? तो 1877 में निकाला गया था, पर ऑप्शन में सब में 1877 है, सही आंसर होगा 1 सितंबर 1877 को निकाला गया था, जो कि ये लगातार 33 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा, 33 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। ठीक है, 33 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र जो है बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से कब निकाला था? 1 सितंबर 1877 को निकाला था बच्चों, 1 सितंबर 1877 को, और लगातार कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक ये चलता रहा, 33 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने वर्षों तक, यहां पे क्वेश्चन भी आ गया कि हिंदी प्रदीप जो है ये कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ, तो हिंदी प्रदीप जो है वो बच्चों वो कब तक प्रकाशित हुआ? 33 वर्ष तक, 33 वर्ष तक। किसके द्वारा? कौन सी सभा थी? हिंदी हिंदी वर्धिनी, हिंदी वर्धिनी सभा। ठीक है, हिंदी वर्धिनी सभा 1 सितंबर 1877 ईस्वी से प्रकाशित हुआ लगातार 33 वर्षों तक बच्चों, लगातार कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन, कौन सा नाटक बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? कौन सा नाटक बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? तो देखो, पद्मावती, चंद्रसेन, देखो
यहां पे ऑप्शन हम इस तरीके से बनाए हैं कि जितने भी, जैसे पहले आपने देखा कि प्रहसन, तो ऑप्शन में हम सारे प्रहसन को शामिल कर लिए, उतना याद कर लो, फिर आगे तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं। नाटक आया तो सारे शामिल कर लिए, अब उपन्यास आया तो सारे शामिल कर लिए, अब यहां पे नाटक आया है, नाटक, यही तीन चीज आपसे पूछा जाएगा इसमें कि प्रहसन कितने, नाटक कितने और उपन्यास कितने। तो पहले दो क्वेश्चन में हमने प्रहसन और उपन्यास को निपटा दिया, इसमें नाटक देखो, ये जितना भी यहां पे लिखा हुआ है ए से लेके सी ऑप्शन तक, पद्मावती, चंद्रसेन, किरातुर्जिनियम, पृथुचरित, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती और दमयंती स्वयंवर, सब बाल कृष्ण भट्ट का है। शिक्षा दान, अचार विडंबन, नई रोशनी का विष, वृहन्ला, सीता वनवास, पतित पंचन, सब इन्हीं का है। फिर मेघनाथ वध, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, ये भी किनका है, बाल कृष्ण भट्ट का ही है। और ये जो लास्ट वाला है बच्चों, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश, जो फेमस राइटर हैं मोहन राकेश, इनका और भी कई सारा नाटक कहानी है, तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, कौन? आषाढ़ का एक दिन। बाकी जितने भी नाटक हैं ये सब के सब किनका है? बाल कृष्ण भट्ट का है। लेकिन ये जो आषाढ़ का एक दिन है ये किनका है? मोहन राकेश का है। तो इसको छोड़ के बाकी ये सब आपको इसलिए ऑप्शन में दिए हैं हम, ताकि इतना याद कर लो, अलग से आपको किताब फिर दोबारे ना देखना पड़े कि कुछ और है क्या। तो अब कुछ भी नहीं है, आपके किताब में इतना ही था, सारे शामिल कर लिए इसमें, सारे शामिल कर लिए बच्चों, 100% शामिल कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो ये याद रख लेना, इतना नाटक है इनका। अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, किस युग के थे? तो देखो, बाल कृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। इन्हीं के प्रेरणा से, ये भी भारतेंदु जी उस समय में बहुत महान लेखक थे और उसी समय उभरे थे। बाल कृष्ण भट्ट एक निबंधकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में और आलोचनाकार के रूप में, यानी इनका मुख्य रूप से इन्होंने क्या क्या लिखा? साहित्य का रचना किया, नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, प्रहसन लिखा, फिर उसके बाद निबंध, इनके लगभग 1000 निबंध इन्होंने लिखा, जो दो भाग में भट्ट निबंधावली के नाम से प्रकाशित हुआ, और एक प्रखर आलोचनाकार थे, आलोचक थे, ठीक है? लोगों जो बाकी लेख लिखा जाता था लेखों के द्वारा, उनमें जो कमियां होती थी उसे उजागर करते थे, उसकी आलोचना करते थे, ठीक है? तो भारतेंदु युग के थे निबंधकार, साहित्यकार और आलोचनाकार। बाल कृष्ण भट्ट मुख्य रूप से क्या थे? आप इन्हें साहित्यकार बोल सकते हो, साहित्यकार बोल सकते हो, आप इन्हें निबंधकार बोल सकते हो, निबंधकार बोल सकते हो, और आप इन्हें आलोचक भी बोल सकते हो, आलोचक भी बोल सकते हो। तो इतना गुण इनके लेख में झलकता है। और किस युग के कवि थे? ए सॉरी लेखक थे, भारतेंदु युग के थे। फिर देखो, चमनिस्तान का क्या अर्थ है? देखो, चमनिस्तान का क्या अर्थ है? चमनिस्तान का अर्थ है हरे भरे बागों का इलाका। तो जब आप निबंध पढ़ोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं इस शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा, चमनिस्तान, ठीक है? और उस चमनिस्तान शब्द का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। अच्छा बताओ, कब्रिस्तान का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान का मतलब होता है जहां मुर्दे को गाड़ा जाता है, और चमनिस्तान का मतलब होता है हरे भरे बागों का इलाका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? देखो, अभी जो मैंने आपको बताया वो यहां पे आ गया, बाल कृष्ण भट्ट पत्रकार थे, बिल्कुल। देखो, आपके किताब में भी दिया हुआ कि भारतेंदु युग के जितने भी लेखक थे वो मुख्य रूप से पत्रकार ही थे। भारतेंदु युग के जितने भी लेखक थे उसमें से मैक्सिमम मुख्य रूप से पत्रकार ही थे, और पत्रकारिता के साथ साथ लेखन कार्य भी करते थे। उसके बाद निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, मैंने आपको बताया ही, साहित्यकार भी थे, लेकिन महाकाव्यकार नहीं थे। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? महाकाव्यकार नहीं होगा। महाकाव्यकार का मतलब जो महाकाव्य का रचना करते हैं, जैसे रामायण एक महाकाव्य है, तो उसका लेखन किसने किया था?
महर्षि वाल्मीकि ने, तो उन्हें आप महाकाव्यकार बोल सकते हो। महाभारत एक महाकाव्य है, तो उसको लिखा था वेद व्यास ने, तो उसे आप उन्हें आप महाकाव्यकार बोल सकते हो। जैसे कालिदास जो है, उनके बहुत सारे महाकाव्य जैसे ऋतु संहारम, मेघदूतम, ठीक है, तो उन्हें आप महाकाव्यकार बोल सकते हो। लेकिन बालकृष्ण भट्ट क्या थे? पत्रकार थे, निबंधकार थे, आलोचनाकार थे, लेकिन महाकाव्यकार नहीं थे। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? तो ये लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा। किसके द्वारा? रघुवीर सहाय के द्वारा। आप जैसे ही किताब खोलोगे तो चैप्टर शुरू होने से पहले ही पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि गद्य लिखने का अर्थ है भाषा को सार्वजनिक करते जाना। यानी गद्य लेखक का मकसद जो है वो भाषा को विस्तार देना, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। तो गद्य लिखने का अर्थ है भाषा को सार्वजनिक करते जाना, और यह कथन किसका है? रघुवीर सहाय का है बच्चों। किसका है? रघुवीर सहाय का है। रघुवीर सहाय का कथन है कि गद्य लिखने का अर्थ है भाषा को सार्वजनिक करते जाना। बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? तो देखो, बालकृष्ण भट्ट के समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र तो फेमस ही हैं, राधा चरण गोस्वामी थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रेमघन थे। तो इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये सारे जो लेखक थे वो बालकृष्ण भट्ट के समकालीन थे, बालकृष्ण भट्ट के समकालीन थे। नाम याद कर लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेम घन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण की भट्ट जो बालकृष्ण भट्ट है, इनकी तुलना एडिसन और स्टील से की है। एडिसन और स्टील से की है, ठीक है, एडिसन और स्टील से की है, एडिसन और स्टील से। एडिशन और स्टील से की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो जो बालकृष्ण भट्ट है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट वो किस काल के हैं? तो है आधुनिक काल के। किस काल के हैं बालकृष्ण भट्ट जो है वो? किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के हैं, आधुनिक काल के। आदि काल में जैसे आपने नाम सुना होगा, आदि काल के में अगर आ गया तो जैसे मैथिली कवि विद्यापति जो है वो बड़े फेमस कवि हैं आदि काल के, ठीक है। विद्यापति जी जो मैथिली कवि हैं, बिहार के मिथिला से थे और वे बड़े फेमस कवि हैं आदि काल के। भक्ति काल में बहुत सारे कवि हैं, जैसे सूरदास हो गए हमारे, कबीर साहब हो गए, कबीर जी, उसके बाद आपके रैदास हो गए, रामानंद हो गए, तो ये सब किस युग के हैं? भक्ति काल के। रीति काल के कवियों में आपका रसखान हो गए, ठीक है, बिहारी हो गए, बिहारी बिहारी प्रमुख कवि थे, ठीक है, तो ये सब रीति काल के कवि हैं। और आधुनिक काल में तो आप जान रहे हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, उसके बाद रामाधारी सिंह दिनकर हो गए, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट हो गए, तो ये सब किस युग के हैं? आधुनिक युग के हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत जो है एक प्रकार का निबंध है। बातचीत क्या है? एक प्रकार का निबंध है, ललित निबंध है, ठीक। अगला क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। हमने पीछे देखा भी कि नल दमयंती और दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर, बहुत ही मजेदार कहानी है। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और बालकृष्ण भट्ट दमयंती स्वयंवर। भगत सिंह की रचना की बात करें तो मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, एक इनका रचना है, भगत सिंह का है, भगत सिंह का है, ठीक है। चलिए अगला,
बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बातचीत करने की शैली के बारे में ही बताना चाहते हैं, बातचीत करने के शैली के बारे में ही बताना चाहते हैं। नेक्स्ट, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? देखो, रॉबिन्सन क्रूसो ऐसे व्यक्ति थे जो इनको 16 वर्ष तक एक जगह पे अंधेरे में कैद करके रखा गया, जहां पे आदमी से इनका संपर्क नहीं था। 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से, किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनते हैं, फ्राइडे के मुख से इनको कुछ सुनने को मिलता है। हालांकि वो भाषा जंगली था, वे कुछ समझ नहीं पाए, फिर भी इनके शरीर में एक अजीब तरीके का विद्युत का संचार हो गया था सुनने के बाद। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, याद रखना, फ्राइडे के मुख से। नेक्स्ट, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? तो वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य बोल नहीं सकता। जब वाक शक्ति नहीं रहेगी, बोलने की शक्ति ही नहीं रहेगी, तो वह बोल नहीं सकता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? देखो, किसी से मनमुटाव है, किसी से दूरियां बन रही है, तो उसका समाधान का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उससे बातचीत करो। बातचीत करने से क्या होता है कि मन में जो मवाद, धुआं या फिर कोई ऐसी बात जमी रहती है जिसके वजह से दूरियां बढ़ती है, वो सब भाप बन के निकल जाता है और जो है दूरी खत्म हो जाता है, झगड़ा मिट जाता है। तो बातचीत के जरिए ही किसी भी मसले को सुलझाया जा सकता है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है कैसे? बातचीत के जरिए बातचीत करना चाहिए, बातचीत से समस्या को सुलझाना चाहिए। अगला देखो, 2020 में पूछा है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम देनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। हाँ जी हाँ, बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम मैंने आपको बताया पार्वती देवी, पार्वती देवी, ये इनके माता का नाम था। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चलो तो एक बार वीडियो लाइक कर दो और थोड़ा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो और लोग इसका लाभ ले सके। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? देखो, पेशे से थे व्यापारी। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। और पिता की मृत्यु के बाद घर के लोग चाहते थे कि ये भी अपने पिता के बिजनेस को संभाले, लेकिन इनका मन पंडिताई में नहीं लगा और ये घर छोड़ के निकल गए। ठीक है, घर छोड़ के निकल गए और फिर इन्होंने लिखना जारी रखा और फिर देखो परिणाम आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनको। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, मतलब इनका पेशा क्या था, इनका जीविका कैसे चलता था? तो वो एक व्यापारी थे। ठीक है, ध्यान रखना, व्यापारी थे, माता हाउसवाइफ थी। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ पड़ता है? देखो, जब दो सहेलियां उनमें से कोई एक अपने ससुराल से पहली बार मायके वापस आती है और वो अपने सहेली के साथ जब बात करती है, अपने ससुराल के बातों को बताती है, तो उनके बातचीत के दौरान रस उमड़ पड़ता है, अजीब तरीके का वहां पे एक माहौल बन जाता है। तो जब दो हमजोलियां आपस में बातचीत करती है तो रस का समुद्र उमड़ पड़ता है, ऐसा बाल कृष्ण भट्ट ने अपने लेख में लिखा है। तो इसका सही आंसर होगा, दो हम सहेलियों के बातचीत में रस उमड़ पड़ता है। और बाकी दो लड़के आपस में बात करेंगे तो क्या करेंगे, वो अपना अपना बड़ाई करेंगे। दो खिलाड़ी रहेगा तो आगे का स्ट्रेटजी बनाएगा या फिर अपना बड़ाई करेगा, दूसरे को नीचा पहुंचाएगा। कोई स्टूडेंट होगा तो अपने पढ़ाई की तारीफ करेगा। सबका अपना अपना लॉजिक है। नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है? देखो, दो बुढ़ऊ अगर बैठ गए आपस में एक जगह बात करने के लिए, और कोई भी लड़का वहां से कोई नया कपड़ा पहन के गुजर गया या नया जूता लेके या साइकिल थोड़ा सा इधर उधर कट मार के चला रहा है, तो दो बूढ़े सिर्फ उसी टॉपिक में बात करें कि का जमाना आ गया भाई साहब। एक हमारा जमाना था कि बाबूजी के डर से घर से निकलते नहीं थे, या फिर बाबूजी का आवाज सुन लेते थे तो घर में रहते थे, या फिर बाल हम लोग छोटा करके रखते थे। आजकल के बच्चे तो हिपी कट बढ़ा लेते हैं और
छपरी कट बना लेते हैं। तो ये सब जो टॉपिक है ना, वो बड़े बूढ़े, जब दो बूढ़े आपस में बात करते हैं तो उनका असली जो टॉपिक होता है अपने जमाने के बातचीत, दादा राजे का बात निकाल के, क्या जमाना था वो, पानी शुद्ध था, हवा शुद्ध था, बीमारी नहीं होता था, इतना ताकत होता था आदमी के पास में, शुद्ध खाना था, ठीक है, माता पिता का आदर किया करते थे लोग, वृक्षों की पूजा किया करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तो संस्कारहीन हो गए, केवल फुटानी मोबाइल लेके और बस करते चलना है, लाल पियर हरियर देखते चलना है, यही टॉपिक होगा उनका बातचीत का। तो नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का, निंदा मतलब शिकायत, तो नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है, तो जब दो बूढ़े बैठ जाएंगे दांत खोदते खोदते, बस उनका यही एक टॉपिक है, अपने जमाना का बड़ाई करना और हमारे जमाने की बुराई करना, ठीक है। चलिए, लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि, देखो 2022 में पूछा है, अध्ययन की रुचि किसने जगाई, मैंने पहले ही बताया था कि इनकी माता ने, पार्वती देवी ने, जो कि एक विद्वान महिला थी, इन्होंने ही इनकी रुचि पढ़ाई लिखाई में जगाई थी, ठीक है। 2022 में पूछा भी है, मैंने पहले ही इसको डिस्कस कर दिया था। फिर देखो, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है कौन, बातचीत, और जूठन जो है वो मुंशी प्रेमचंद का है, मुंशी प्रेमचंद का है, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। तो बातचीत किनका लेख है, बातचीत है बालकृष्ण भट्ट का, उसी के बारे में तो पूरा चर्चा हो रहा है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा आपको जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो क्या करो कि थोड़ा इसको लाइक करो, अंत में जाते जाते लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पे रेगुलर आते रहता है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प पहुंचाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। और आप टेलीग्राम पे जाएं, बड़े अक्षर में टाइप करें डीके चंदन एडुकेटरी, डीके चंदन एडुकेटरी, और वहां पे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, वहां पे हम लगभग हमेशा वीडियो शेयर करते रहते हैं और पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं। प्ले स्टोर पे जाके आप मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसी नाम से प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जल्दी ही क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 2025 बोर्ड के एग्जाम के लिए, 2025 बोर्ड के एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर ऑफलाइन क्लास की बात करें तो औरंगाबाद बिहार में मेरा ऑफलाइन क्लास है, जहां पे आप ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हो, बाकी ऑनलाइन में प्ले स्टोर से डीके चंदन एडुकेटरी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लॉगिन करें, जल्द ही वहां पे क्लास स्टार्ट होने वाला है 2025 बैच के लिए, क्रैश कोर्स हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कोई भी टॉपिक पे यदि आप वीडियो चाहते हो तो उसका भी कमेंट में जरूर बताना, हम प्रयास करेंगे उसका समाधान लाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।